हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और ये आज की जो वीडियो है इसमें पूरा ओवरव्यू दूंगी मैं आपको फूलों की। अलग अलग वैरायटी है मेरे पास काफ़ी सारी, उनमें से एक ये भी है टिकोमा का। ये हाइब्रिड है, ये गमले में हम ला रहा चढ़ाने के लिए, मगर ये हाइब्रिड है। एक ये स्टॉक प्लांट बहुत ही अच्छे चल रहे, देखो विंटर शुरू में लिए और अभी तक भी मेरे गार्डन में बने। और कितने सारे फ्लावर हैं इसमें देखो, ये हल्की एक आध घंटा धूप आती है तो कितना प्यारा चल रहा है देखो। और एक ये है और एक ये वाला है, ये कलर लगाओ एक जैसी है दोनों के। और एक ये वाइट कलर का, ये देखो कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। और एक मेरे पास ये पर्पल है स्टोक प्लांट, और इसका तो पूरा देखो कितना बड़ा बंच स्टोक निकला हुआ है इसमें, ये देखो। और ये देखिए कोलियस की, मेरे पास काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन है और काफ़ी सारी मैंने कटिंग से भी तैयार करी। एक ये है और एक ये मैंने अभी कटिंग से लगाया, बहुत खूबसूरत है। और एक ये है और एक ये कलर है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और एक ये कलर है, ये छोटे छोटे अभी भी ये इसके छोटे छोटे प्यारे से निकल रहे हैं। इसकी मैंने कटिंग कर दी थी और वो इस वाले गमले में लगा दी थी, तो ये देखो। और इसमें से फिर खूब सारे बन के आ गए। अगर आपके पास बड़ा प्लांट है तो उसमें से ऐसे कटिंग कर दीजिए और उसकी कटिंग अभी भी बड़े आराम से लग जाएगी। और एक ये वाला है, ये अलग है, खूबसूरत कितना प्यारा सा है। और एक ये वाला है, ये प्रिंटेड लगता है जैसे प्रिंटेड हो। एक ये है, ये बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं। इन्हें लगा के तो फूल की कमी भी महसूस नहीं होती है, ये देखो। अब मैंने कटिंग से भी जगह जगह काफ़ी सारे ये लगाए हुए हैं। और ये देखिए विंटर भी चला गया, स्प्रिंग सीजन भी जाने वाला है, लेकिन फिर भी देखो कितना जितना गर्मी आ रही है उतने ही ये फूल बढ़ते चले जा रहे हैं। पिटोनिया के कितने खूबसूरत लगे हुए हैं अभी भी। और इसी पे नहीं, अभी मैं सारे दिखाती हूँ, बहुत सारे कलर हैं मेरे पास। ये देखिए ये रेड में भी कितने सारे हैं, और इनको मैं निकाल निकाल के थक जाती हूँ, इतने सारे स्पेंड हो जाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर रोज ही निकालने पड़ते हैं। ये देखो ये रेड कलर है, और ये वाला देखो पर्पल कलर है, और सभी पे काफ़ी आ रहे हैं। और ये देखो ये मजेंटा है, ये भी खूबसूरत कलर है। और एक वाइट पे तो इतना फूल आता है, काफ़ी सारा आता है इस पे देखो। ये देखो कितना सारा अभी भी आया हुआ, इतने सारे स्पेंड हो चुके और वो मैं निकाल चुकी, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे हैं इसमें। ये देखिए ये रेड कलर है, इस पे भी काफ़ी सारा है। और ये पिंक, डार्क पिंक है, इस पे भी काफ़ी सारा है, अभी निकाले हैं मैंने, अभी और निकालूंगी इसके। और ये देखिए ये लाइट पर्पल अनियन कलर है, इसमें तो पर्पल दिखाई दे रहा, वैसे तो ये अनियन कलर है, इसमें भी काफ़ी सारे फूल हैं। और एक आगे मैं डबल शेड का दिखाती हूँ, रेड का और वाइट का। इसमें भी देखो कितने सारे कलर हैं, दो तीन कलर में है ये भी, मैरून रेड, और काफ़ी सारे फूल हैं इसमें भी। उधर पीछे भी है इसके, इनकी पिटोनिया की तो फ्लावरिंग नहीं रुक रही है, इनकी अभी भी काफ़ी चल रही है। और एक मैंने ये भी बाय किया था अभी सप्ताह, एक सप्ताह पहले, ये पिटोनिया का। कुछ फ्लावर तो ऐसे हैं मेरे गार्डन में जो विंटर में लिए थे मैंने, और वो अभी भी मेरा गार्डन में पूरा साथ दे रहे हैं। एक ये है क्रंच, ये देखो अभी भी कितना सुंदर ब्लूमिंग कर रहा है, ये ऑरेंज कलर का है, लाइट ऑरेंज, और अभी भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये एक डार्क कलर का है, और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे इनका मन ही नहीं कर रहा हो जाने का। और ये देखो अभी भी प्लांट पे ये फ्लावर अभी भी कितना खूबसूरत बना हुआ है। और बहुत सारे हैं मेरे पास कलंच, एक ये पिंक है, ये थोड़ा थोड़ा अब थोड़ा सा अब ये होने लगा, नहीं तो ये भी काफ़ी समय से इसका ये बंच खिला हुआ था और ये काफ़ी दिनों तक ये लगे रहते हैं। एक बार ये फूल आ जाते हैं और प्लांट पे काफ़ी समय तक ये बने रहते हैं। और ये मैंने कटिंग से भी लगाई थी इसके आसपास, ये तो ये वाली ऑरेंज थी, तो ये भी चल रही है अभी भी। ये देखो एक इधर लगाई थी, कितनी खूबसूरत लग रही है। और कई सारे लगभग मेरे पास सारे ही कलर हैं।
और एक ये वाला कलर है देखो, येलो कलर का। ये पहले विंटर में तो काफ़ी येलो था, तो अब जैसे जैसे ये गर्मी पड़ रही है तो इनके कलर भी थोड़ा सा फेड हो रहे हैं। बट अभी भी ये मेरे ये क्लंच हो गए प्लांट अभी भी गार्डन में मेरे बने हुए हैं, और कितने सारे हैं, अभी एक दो और भी हैं। अपने गुड़हल के दिखाती हूँ, देखो ये गुड़हल का हिबिस्कस का पिंक और मैरून, और ये दो तीन कलर हैं, इस मिक्स है, रेड है, मैरून है और पिंक कलर, बहुत ही सुंदर कलर है ये। और बड़ा भी ये प्लांट बहुत छोटा सा है, एक बालिश का भी नहीं है, और फूल इस पर इतना बड़ा है। और एक मेरे पास ये मैंने नया लिया है, मैं दिखाती हूँ, और ये वाला कलर, ये डार्क, ये मजेंटा कलर है, और ऐसा तो मैंने कलर नहीं देखा, ये कलर मैंने पहली बार देखा, और ये खूबसूरत कलर है। और ये मैरून है, डार्क मैरून, इसमें अभी कलियाँ एक खिली थी, तो मेरे पास कई सारे हैं, एक पीले कलर का है, एक लाल कलर का है, बहुत सारे हैं, कई सारी वैरायटी है मेरे पास। एक मैंने ये हिबिस्कस का बाय किया है, ये देखो, ये वो जो होता है हाइब्रिड, वो वाला हिबिस्कस है, कितना प्यारा फूल है इसका। ये बेबी पिंक है, जैसे डार्क पिंक है बेबी। और इस प्लांट पे देखो, ये परमानेंट है, ये डांसिंग डोल, तो इस पे भी अभी फ्लावर देखो आ ही रहे हैं, कितने खूबसूरत, और कलियाँ भी बन रही हैं और अभी आते रहेंगे। और ये देखो, ये मैंने ये कुछ लिए थे, ये वाले प्लांट, और ये गोडेशिया इस, और मैंने भी पहले कुछ प्लांट खरीदे थे, वो दिखाए थे, एक वीडियो थी इस पर भी मेरी। तो ये एक कलर ये है मेरे पास, और एक ये है, ये इसी समय आते हैं, और एक ये है, और एक ये वाला कलर है, ये भी काफ़ी खूबसूरत कलर है। और एक ये मैंने ये फ्रेश है का लिया था, और दो कलर थे इसमें भी मेरे पास, ये भी खूबसूरत है। और ये डांसिंग डोर, इस पर भी देखो अभी फूल बने हुए हैं काफ़ी समय से, और काफ़ी कलियाँ भी हैं, ये भी खूबसूरत लगता है। और बाकी ये फर्न है, ये सारे इंडोर प्लांट हैं मेरे, ये देखो। और ये बेबी शनरोज है, ये मैंने कटिंग से लगाई, बहुत सारे हैं मेरे पास। और ये मनी प्लांट है, अब ये सूखे हुए थे, अब इस पर सारे ये हरे होने लगे, पत्तियाँ आने लगी इस पर भी। और ये स्नेक प्लांट है, ये जो लोंग वाला होता है, और ये स्पाइडर है, और ये भी देखो पानी वाला जो होता है वाटर का, ये अश्वगंधा है, ये सारा इस तरह का लुक है कुछ मेरा, काफ़ी सारे प्लांट है यहाँ पे। और ज़्यादा नाम इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये कितने खूबसूरत फूल हैं, एक ये है, ये परमानेंट है, कटिंग से भी आप अभी भी लगा सकते हो आप कटिंग से, एक ये है। और ये कार्नेशन के हैं, ये भी बहुत प्यारे परमानेंट फ्लावर होते हैं ये भी प्लांट। और एक ये है पिंक और मैरून, और एक ये है, ये वाइट कलर का है, और ये प्राइम रोज है, ये भी अभी चल ही रहे हैं, देखो एक दो तो सूख गए मेरे, कम हो गए फूल, ये पीला कलर का और ये वाइट कलर का, ये दोनों अभी भी बने हुए, देखो कितने सारे फ्लावर हैं इसमें भी। यू फोर बिया पे तो देखो ये कभी भी ब्लूमिंग रुकती नहीं है, इस पर तो मुझे लगता है 12 ही महीने रहती है, और कितना सुंदर कलर है। और ये भी हाइब्रिड है, एक ये है, और एक ये वाला कलर है मेरे पास, ये कटिंग से लगाया था, और एक मैंने कटिंग से ये भी लगाया था, इस पर भी देखो पीले रंग का फूल आ गया है। और अफ्रीकन डेजी पे भी देखो ये अभी तक फूल बने हुए हैं, और इस पर अब इस समय तो काफ़ी फूल दे रहा है, ये भी काफ़ी फैले हुए हैं, काफ़ी फूल दे रहे हैं। तीन कलर के हैं मेरे पास, एक ये वाला है, और एक ये वाला है, और एक ये है डार्क वाला, कई सारे हैं। और ये देखिए, ये लाल बादशाह बोलते हैं इस प्लांट को, तो इसमें ये जो कलर होता है इसका लीफ का, बहुत ही सुंदर प्यारा होता है, अभी निकल के ये 8 दिन में इतनी निकल के तैयार हुई है, और इसकी सारी झड़ चुकी थी विंटर में, ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, और इसको धूप में रख दो तो इसका बड़ा सुंदर कलर आता है। और ये देखो, ये मेरे ये जो गंधराज कहते हैं वो है, इस पर भी अब कलियाँ बनने शुरू हो गई हैं छोटी छोटी सभी पे, और इन पर भी कलियाँ बन रही है, ये मधुकामनी का, ये देखो इन पे भी कलियाँ बन रही हैं, और सभी पे अब जो समर वाले हैं सब पे कलियाँ बनने शुरू हो गई हैं। ये काफ़ी प्लांट है मेरे पास, कनेर का है और अपराजिता है और चंपा वगैरह, बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास।
और धूप आ रही है यहाँ पे, देखो इस पे गजान यहाँ पे, तो ये फूल कितने सुंदर खिल रहे हैं। और ये सारे देखो, ये भी बहुत सारे हैं मेरे पास, सभी देखो इनमें बड बनी हुई है, फूल आएंगे और सारे कलर के हैं मेरे पास। ये देखो कितने प्यारे प्यारे कलर हैं, और एक कलर ये है, एक कलर ये है, कितना प्यारा कलर है। अब ये जो है अब काफ़ी खिलेंगे, ये काफ़ी बड भी बनी हुई है इन पर, क्योंकि मैंने अभी एक दो महीने पहले नए पेड़ लिए थे तो उस समय भी खिल रहे थे प्लांट, ये प्लांट पे फूल, और अभी कितने बड बन गए, अब खिलेंगे ये काफ़ी सारे। ये देखो बहुत सारे प्लांट है मेरे पास, सब पे बड बनी हुई, सब ये बडिंग पर है, तो इन पर भी काफ़ी तेज़ी से फ्लावरिंग होने वाली है। ये देखिए ये हाइब्रिड मिर्च है और गोल वाली, और ये कैसे जैसे ट्रैफिक लाइट होती है इस तरह ये लगी हुई है तीनों बराबर में, ऊपर से नीचे तक, और कितनी खूबसूरत लग रही है। नस्टेरियम भी फूल जो है बने हुए हैं प्लांट पे, देखो अभी भी गर्मी में भी, और ये मेरे पास तीन कलर के हैं, और एक ये कलर है मेरे पास, और एक ये वाला, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये बड़ी पत्ती वाला क्रोटोन है, क्रोटोन मेरे पास तीन तरह के हैं, और ये मेरे पास सबसे बड़ी पत्ती वाला है, और काफ़ी बूशी है, खूबसूरत लगता है। ये कॉर्नर में रखा हुआ मैंने नीचे, और यहाँ पे ये सफेला जिसे अम्ब्रेला भी बोलते हैं, ये भी आजकल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन लिप्स हैं इसमें। कुछ अपने इंडोर प्लांट भी दिखाते हैं आपको, देखो ये सीढ़ियों में रखा है एग्लोनिमा रेड कलर का, और इसके बाद ये देखो ये सिल्वर वाला एग्लोनिमा है, ये भी मैंने सीढ़ियों में रखा है, क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती, अब ये बिना धूप के ही चलते हैं, और धूप में तो ये सूख जाते हैं, ये हमें छायादार जगह में ही रखने होते हैं। और ये देखो ये ड्रेसिना है, ड्रेसिना भी मेरे पास 6-7 कलर की है, और यहाँ जेरेनियम का भी रखा है, और ये देखो ये डेफन बेकिया का, ये दो तरह का है मेरे पास, बड़ी लिप्स का है, और ये रबड़ प्लांट है, ग्रीन और कुछ डार्क कलर का है, और ये फॉक्सटेल है, और एग्लोनिमा नहीं है, ये ड्रेसिना है, ये भी तो ड्रेसिना के भी कई सारी वैरायटी है मेरे पास। एक ये है और एक ये है, ये रिविन वाली, और यहाँ ये मनी प्लांट और वेंडिंग जू है, और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारे रखे हुए मैंने, अलग अलग कटिंग है, कुछ अलग अलग ये सकुलेंट है, और मेरे गार्डन पे एक ये जरबेरे का भी खिला है, ये एक देखिए ये मैंने ये फ्रेश है प्लांट खरीदा है, और येलो कलर का, ये शेडेड है वाइट का और येलो का, और कितना खूबसूरत फ्लावर है इस पर, और ये बल्ब से लगाया जाता है, और मैं अपना बर्मीना दिखाती हूँ रेड कलर का, उसमें देखो कितने सुंदर ब्लूमिंग हो रही है, ये फूल ही फूल लगे हुए हैं उसमें, बंच हुए देखो कितने सारे, इधर से लेके सारे में फूल ही फूल खिला हुआ है, और ये बस अब गर्मी से बचाना है इसको, और अब जो है एक दो घंटे की धूप दे, बस खाली जो सुबह की होती है मॉर्निंग की वो धूप, इसके लिए एक दो घंटा काफ़ी है। ये देखो कितना, और जो सूखे फूल होते हैं ये वाले, ये निकाल दें तो इसमें जो है नई नई बड्स आती रहेंगे, बस यही काम करती हूँ मैं। और देखो बड्स भी जो जिस पे फूल नहीं है उनमें बड्स बने हुए काफ़ी, इतना ब्रांच में फैला हुआ है ये, कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं नर्सरी से ये दो प्लांट, ये पेंटास के भी लाई थी, और ये पिंक कलर है, ये देखो कितना खूबसूरत है, और एक ये है मजेंटा कलर में, इस अच्छी ब्लूमिंग पे हैं ये दोनों, और अभी काफ़ी सारी इसकी बड्स ये बन रही हैं, और ये बंचेज पे खिलते हैं, देखो कितने सारे एक पे एक बंच पे कितने कितने सारे होते हैं छोटे छोटे फूल, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब जैसे मार्च का महीना है और गर्मी आ चुकी है, तो अब ये पहले तो हमने जो है विंटर में तो इसको धूप दिया है अजेलिया प्लांट को, लेकिन अब इसको बिल्कुल छायादार ठंडी जगह में रख दे, और नहीं तो ये सब पत्तियाँ वत्तियाँ सूख जाएंगी और ये झड़ने लग जाएगा और पेड़ भी जो है सूख जाएगा, तो इसलिए इसको छायादार जगह में ठंडी जगह में रख दे, तो वहाँ भी ये फूल देता रहेगा और ब्राइट लाइट मिलती रहे बस इसको, तो
तो ये देखो मैंने इसी तरह ये ब्राइट लाइट में ही रखा हुआ है और धूप से बिल्कुल बचा दिया है अब इसको। तो अभी भी इसमें देखो कितनी सारी कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। ये देखिए ये मेरा सीप मंकी का है, मेरे पास 3 फ्लावर है प्लांट और इसमें इतना फूल आ रहा है अभी, जितनी गर्मी बढ़ रही है उतना ही फूल ये काफ़ी सारा बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा। ये देखिए ये प्लांट, ये वरुण फैल्सिया है और ये मैंने पहले भी दिखाया आपसे, ये रेनी सीजन भी लिया था और इस समय इस पर सबसे ज़्यादा इस समय जो है इस पर काफ़ी फूल आ रहे हैं। और ये पर्पल कलर का डार्क पर्पल इस तरह का कुछ फूल आता है जब खिलता है। और ये देखो ये फिर ये कितने सारे कलर रंग बदलता है, फिर ये थोड़ा धीरे धीरे कलर बदलता है, थोड़ा हल्का पर्पल होगा, फिर ये होते होते एकदम ये वाइट इस तरह का वाइट बन जाता है। तो ये धीरे धीरे कलर बदलता है और एकदम वाइट हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे इस पर कई सारे कलर रंग में जो है फूल खिले हुए होते हैं। और ये मेरे डायंथस के हैं, ये रेड कलर है और ये वाइट मजेंटा है और ये देखो ये भी डार्क मजेंटा है और ये रेड है, काफ़ी सारे हैं मेरे पास। ये देखो ये भी रेड है और ये भी मजेंटा डार्क पिंक है वाइट का, इस तरह के मेरे पास कई सारे हैं ये, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर होता है। देखो जैसे ये भी है मजेंटा में और वाइट में और ये भी इसी तरह, ये प्रिंटेड जैसे लग रहे हैं जैसे प्रिंटेड होते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारे हैं और अभी काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो नहीं भी खिले हैं, जैसे एक ये है इस पर पिंचिंग कर दी मैंने तो ये आएगा और इसमें भी पिंचिंग कर दी तो ये फिर अभी आएंगे फूल। और एक मेरा ये बोगनवेलिया का है, ये वेरिकेडेड है, इस पर भी 12 महीने फूल बने रहते हैं, ये भी खूबसूरत प्लांट है। और गुलाब कुछ मेरे खिल रहे हैं इस समय, कितने प्यारे प्यारे, और कुछ बडिंग पर है, जैसे ये देखो बड बन रही है इसमें, सभी पे बड बनने शुरू हो गई हैं। ये देखो छोटी छोटी सारे जितने गुलाब है, क्योंकि विंटर में मेरे पास धूप नहीं थी इसलिए मेरे ये प्लांट ये जो गुलाब वाले ये खिल नहीं पाए और अब खिलेंगे, अब इस पर धूप आने शुरू हो गई है। तो ये भी काफ़ी सारे हैं मेरे पास और सदा बाहर पे भी देखो बाहर आने लगी है, इस पर भी फूल खिलने लगे हैं। वैसे तो ये 12 महीने खिलते हैं विनका के, ये हाइब्रिड वाले और ये कलर भी कई सारे आते हैं, कई सारे कलर रंगों में आते हैं। ये एक ये मजेंटा कलर है, कितना प्यारा कलर है, और एक मेरे पास ये रेड है और ये है पिंक कलर, ये पीच कलर, अभी इस पर भी आने शुरू हुए क्योंकि मैंने इसकी पूरी कटिंग कर दी है और काफ़ी सारी इसकी कटिंग लगाई है, इस पर भी अब जो है बंच तैयार होने लगी है। अगर इनकी पिंचिंग कर देते हैं तो ये और ज़्यादा बूसी हो जाते हैं, जैसे ऊपर से इनकी पिंचिंग कर दो इतनी और बस ये बूसी हो जाएंगे काफ़ी। तो ये देखो मैंने इसकी पिंचिंग की थी विनका के प्लांट की तो इस कितना बूसी हो गया, अब इस पर फूल काफ़ी फूल देगा ये। और ये देखो कई सारे हैं मेरे पास, ये भी सारे रंग में हैं जो हाइब्रिड है, ये सारे कलर हैं मेरे पास। और ये मेरे ये फेलुक्स हैं, ये भी कितना खूबसूरत फूल है, इस पर देखो अभी भी बना हुआ है, ये है और एक ये है, ये थोड़ा बड़े फूलों में है और छोटे फूलों में भी आता है, ये मेरा थोड़ा सा छोटे फूल, ये थोड़ा सा अंतर है इसमें, ये पुराना प्लांट है मेरा और ये दो मैंने जो नए लिए थे ये वो है ये। और ये बेबी सनरोज है, ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है, देखो इसका ये फूल है कितना खूबसूरत फूल है इसका। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लास्ट तक बने रहें, थैंक यू।